जब परमेश्वर असाधारण रूप में काम करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं, सामर्थ होती है उसकी मुलाकात में, और महान उंडेला जाना होता है उसकी उपस्थिति में। जागृति लाता है हमारी चर्च में और हमारी सेवकाई में। तैयार हो जाए कि आयोजित करें जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन का। प्रभु आशीष दे। अभिवादन और मजबूत जीना में जुड़ने के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ हफ्तों से हम जागृति के इस दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और खास करके हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे दिनों में जागृति, हमारे समय में जागृति, हम जागृति को पाने के लिए क्या कर सकती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में जागृति के पीछे चलने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये तो परमेश्वर की मुलाकात और उसके चलन के लिए पुकार है। हम सच में किस तरह से प्रार्थना करें, कैसे हम अपने दिल को तैयार करें, और हम कैसे जागृति के लिए प्रार्थना करें। और यहाँ पर खास करके मैं बता दूं जागृति के इस दृष्टिकोण के बारे में। मत्ती अध्याय 11 वचन 12 में यीशु ने यहाँ पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया प्रभु राज्य के बारे में। उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेता है। मतलब यहाँ पर यह कहता है कि ये तो तीव्रता है जहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर में जुड़ जाते हैं, और इसका परिणाम ये होगा कि हम प्रभु राज्य की चीजों को प्राप्त करेंगे। मतलब अगर हम परमेश्वर के राज्य की बातों के साथ हल्के रूप में व्यवहार करें तो उसे नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हम तीव्रता के साथ उसमें जुड़ जाएं, अगर हम बड़ी तीव्रता के साथ में उसका पीछा करने लग जाएं, फिर ये कहता है कि तुम उन चीजों का अनुभव करोगे परमेश्वर के राज्य में। जबकि जागृति परमेश्वर का महान काम है, और दूसरी ओर लोग होने के नाते हमें अपने दिल को तैयार करना है और आगे बढ़ना है यहाँ जागृति में। और यहाँ हमारे पास महान उदाहरण है यशायाह भविष्यवक्ता। यहाँ पर यशायाह की किताब अध्याय 62 में जो उसके लोगों के लिए उसके दिल के बारे में बताता है, मैं इस वचन के भाग में से संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि हम देखें उसकी इच्छा और जिज्ञासा जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी, और जागृति के लिए प्रभु को खोजना होगा, और हमें खुद को प्रोत्साहित करना होगा कि हम परमेश्वर से पा सके। देखिए यहाँ पर यशायाह लिखता है यशायाह अध्याय 62 वचन 1-7 में सियोन के लिए, हमारे संदर्भ में हम कह सकते हैं चर्च के लिए, और हम ये जानते हैं ये वचन के अनुसार है कि सियोन और चर्च समान हैं। चर्च तो नए नियम का सियोन है, और पुराने समय का सियोन नए नियम के चर्च को दर्शाता है। यशायाह कहता है सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा जब तक, यानी वो कुछ खोज रहा है, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। वो कहता है मैं सियोन में इन चीजों को होते देखना चाहता हूँ। वो चाहता है मैं उसकी धार्मिकता देखना चाहता हूँ, ज्योति देखना चाहता हूँ, इसे फिर से तेजो में होते हुए देखना चाहता हूँ। और वचन 2, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु हिप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लेता है वैसे तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है वैसे तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप न रहो, और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे तब तक उसे भी चैन न लेने दो। तो हम देखते हैं यहाँ भविष्यवक्ता यशायाह अपने बारे में कहता है, अपने लोगों के बारे में कहता है, यानी यहाँ पर इस वचन के भाग में इसराइल के पहरुए कहा गया। उनकी बस एक ही इच्छा है कि परमेश्वर के आगे जाएं जब तक कि वो अपने लोगों के लिए कुछ न करे, और वो परमेश्वर को विश्राम न देंगे जब तक कि वो आकर अपने लोगों को स्थापित न कर दें। वो अपने लोगों का पुनर्गठन करेगा और फिर वो ऐसे उजड़े हुए नहीं कहलाएंगे। लोग अपनी भूमि में वापस आएंगे और वो भूमि महिमा में कहलाएगी, और अन्य जाति के लोग इसे देखेंगे, और ये सब कुछ होगा। इसके लिए यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता और शहर के पहरुए हैं जो परमेश्वर के पीछे बने रहेंगे जब तक कि ये पूरा न हो जाए। यानी हमारे लिए चुनौती तो ये है
आज के चर्च के बारे में क्या? क्या आप और मैं इतने जिज्ञासा से भरे हैं चर्च के लिए कि परमेश्वर की महिमा जो है वो परमेश्वर के भवन में प्रकट हो जाए, कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन बातों को अपने ऊपर उठा लेंगे, कि हम परमेश्वर को विश्राम नहीं देंगे जब तक कि वो आकर चर्च को भर न दे, उसके लोगों पर उसकी महिमा, जब तक कि परमेश्वर की महिमा उसके लोगों पर देखी न जाए इतना ज्यादा कि हमारे आसपास का संसार आए, हमारे उदय की ज्योति में आए। क्या हम ऐसे व्यक्ति होंगे? क्या हम ऐसे पहरुए होंगे? क्या हम ऐसे लोग होंगे जो इसके लिए प्रार्थना करेंगे, खुद को प्रोत्साहित करेंगे? यानी यदि हम इसका चुनाव करें, अगर हम इस तरह से इसे अपने ऊपर ले और कहे हाँ हम चर्च के लिए जिज्ञासा रखते हैं, हाँ चर्च के लिए हम प्रार्थना करेंगे और चर्च के लिए हम इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे और चर्च के लिए हम जागृति में आगे बढ़ते जाएंगे, यदि हम इस बात को अपने ऊपर ले, देखें सबसे पहले तो हमें यही करना है, वो है कि हम अपने दिल को तैयार करें, हमारा दिल बिल्कुल सही हो, यहीं पर जागृति शुरू होती है। जागृति हम में से हर एक के दिल में ही शुरू होती है, हमारे दिल की दशा में। तो फिर दिल की सही दशा क्या है? यदि हम जागृति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं संक्षिप्त में इसके बारे में बताऊंगा, और जैसे हम इसके बारे में बताते हैं, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में प्रभु से मांगना है कि वो हम में ये बनाए। हे प्रभु, इस तरह का दिल आप मुझ में बनाइए, मुझ में इस तरह का दिल बना प्रभु, कि मैं जागृति के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाऊं, मैं तैयार हो जाऊं कि चर्च के रूप में प्रभु आपको खोजूं। हमारे दिल की दशा क्या है? सबसे पहले जिसे परमेश्वर देखता है, यानी देखिए हम देखते हैं परमेश्वर सबसे पहले पश्चाताप किए हुए दिल को देखता है जो कि नम्र है और उसके ऊपर में आधारित है। दूसरा इतिहास अध्याय 7:14 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, उसने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे और प्रार्थना करें, यदि वैसा करेंगे तो प्रभु कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। वो अपने लोगों को बुलाता है, कहता अगर तुम ये करो, यदि तुम खुद को नम्र करो, अगर तुम प्रार्थना करो, अपने बुरे मार्गों से तुम फिर जाओ और मेरे चेहरे को निहारो। यानी यहाँ पर बुलाहट है, यहाँ पर तो ये दिल के बदलाव के लिए है। ऐसा दिल जो कहता है हाँ मैं प्रभु के सामने खुद को नम्र करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, पाप से मैं फिर जाता हूँ और मैं खुद को प्रभु पर आधारित रहने के लिए रखता हूँ। दूसरी बात, ये ऐसा दिल है जो बेताब है, जो चाहता है, जो भूख और प्यास से भरा हो। यानी देखिए हमारी आत्मा में खिंचाव होना चाहिए, हमारा दिल परमेश्वर को और पाने के लिए पुकारने वाला हो, ऐसा दिल जो बेताब हो। ये मानो याकूब के जैसे जो परमेश्वर से कुश्ती लड़ रहा था, उसने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये उसका दिल था, उसने कहा जब तक मैं तुझसे कुछ प्राप्त न कर लूं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये ऐसा दिल है जिसके बारे में भजनकार यहाँ पर विवरण से बताता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, भजन 42 में कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। भजन 63 में कहता है मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से पवित्र स्थान में मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। ये दिल की पुकार है, ये तो जिज्ञासा है, ये तो बेताबी है जिसके साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती 5 में यीशु ने कहा क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम में भूख और प्यास होनी चाहिए, हमारी आत्मा में खिंचाव होना चाहिए, हम प्रभु को और पाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो। हमारे पास सटीक और ईमानदार दिल होना चाहिए, ऐसा दिल जो कि सच में सटीक हो, प्रभु मैं सही कारण के लिए इसे चाहता हूँ। मैं जागृति इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैं अपने लिए नाम और शोहरत कमा लूं, मैं जागृति इसलिए नहीं खोज रहा कि किसी बात के लिए मुझे जाना जाए, मेरा दिल ईमानदार है, ये प्रभु से विनती करता है। प्रभु ये आपकी महिमा खोजने के लिए ईमानदार है, ये चर्च की भलाई खोजने के लिए बहुत ही ईमानदार है। हमें ईमानदार दिल चाहिए, हमें सटीक दिल चाहिए जो जिज्ञासा से भरा हो, जो कि प्रज्वलित हो, जो इसमें पकड़ा गया हो, यानी जागृति के लिए जिज्ञासा और इच्छा से भरा हो। हमें ऐसा दिल चाहिए जो डटा हो और स्थिर हो, जो इसमें बना रहे। देखिए याकूब 5 में याकूब लिखता है एलिया हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था, फिर भी उसने प्रार्थना की और बारिश नहीं हुई, उसने फिर प्रार्थना की और फिर बारिश हुई। और फिर वो हमें बताता है कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, इस तरह से कहता है ये प्रभावी दिल से महसूस की जाने वाली ये सटीक प्रार्थना
धर्मीजन की ऐसी प्रार्थना बहुत प्रभावी होती है। ये तो दिल की दशा है, ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ये तो बिल्कुल प्रज्वलित हो, इन सारी बातों के लिए जिज्ञासा से भरा हो। फिर कहता है इस तरह की प्रार्थना बहुत प्रभावी होती है, ये तो निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए। यानी लूका 18 में जैसे कि यीशु ने हमें यहाँ पर एक कहानी बताई, उसमें ये बताया गया है हम हमेशा प्रार्थना करें और हिम्मत न हारे, साहस न छोड़े। वो विधवा के बारे में कहता है जो न्यायाधीश के पास जाती रही जब तक कि न्यायाधीश ने न कहा ठीक है जो तुम्हारा उसे ले लो। इसीलिए हमारे पास ऐसा दिल हो जो हिम्मत न हारे, और हमें टूटा हुआ दिल चाहिए। यीशु ने कहा धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, धन्य है जो टूटे दिल वाले हैं उनका दिल तो टूटा है, जो कुछ देखते हैं उसके कारण उन्हें तसल्ली दी जाएगी। तसल्ली का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पीठ पर हाथ रखकर थपथपाएगा, कहेगा सब ठीक है, नहीं, प्रभु आएगा और आप जिसके लिए टूटे हैं उसके बारे में कुछ करेगा। आप जिसके लिए शोक करते हैं, जिसके लिए टूटे हैं, परमेश्वर आकर उसके लिए कुछ करेगा, इस तरह से आपको तसल्ली मिलेगी, वो उस मुद्दे से निपट लेगा। तो हमें कैसा दिल चाहिए? हमें ऐसा दिल चाहिए जो टूटा है, जो खेदित है, टूटेपन से पुकारता है जागृति के लिए। यशायाह में हम देखते हैं बहुत ही दिलचस्प वचन है, ये कहता है कि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। ये प्रसव पीड़ा होनी चाहिए, जैसे ही चर्च यहाँ पर इसके लिए दर्द महसूस करते हैं और ये टूटेपन के साथ प्रार्थना करते हैं और ये उस दर्द को मानो महसूस करते हुए प्रार्थना करते हैं, जैसे जच्चा की पीड़ा हो, जैसे इस यौन को प्रसव पीड़ा हुई, बाइबल कहती है उससे संतान उत्पन्न हुई, उसने जन्म दिया जो परमेश्वर चाहता था उससे उत्पन्न हो। मैं विश्वास करता हूँ जैसे हमें इस पीड़ा में आगे बढ़ती हैं, इस शोक के साथ, टूटेपन के साथ, हम जन्म देंगे उसे जो हम पाना चाहते हैं। तो ये दिल की दशा है, हमारे पास ऐसा दिल होना चाहिए यदि हम जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जागृति के लिए प्रार्थना करते हुए कैसे करते हैं, हम किस लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से क्या मांगते हैं? क्या ये कहते हैं प्रभु मुझे जागृति चाहिए, मुझे जागृति चाहिए, आत्मा का उंडेला जाना चाहिए, आत्मा का उंडेला जाना चाहिए? हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आपको क्या लगता है 120 विश्वासी यीशु के चेले वहां पर क्या प्रार्थना कर रहे थे? 10 दिनों तक वो ऊपरी कोठरी में बैठे थे, वो किस लिए प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि यीशु ने कहा यरूशलेम में रहा देखो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, उन्होंने किस लिए प्रार्थना की होगी? मैं निश्चित ही जानता हूं कि उन्होंने यीशु ने दी हुई प्रतिज्ञा के बारे में प्रार्थना की होगी कि वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु हम यहाँ पर हैं, हमें तैयार कर, हम यहाँ हैं जैसे कहा वैसे ही हम पर आत्मा को उंडेल दे, हम यहाँ हैं, हमारा उपयोग कर, तैयार करके हम देशों में जाए, क्योंकि उसने यही कहा था देशों में तुम जाओ, जाने के पहले प्रतिज्ञा की राह देखो। तो उन्होंने क्या किया, वो बैठे और प्रार्थना करने लगे प्रभु हमें तैयार कर, हम प्रतिज्ञा चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं और हम जाकर गवाह बनना चाहते हैं। और जब हम जागृति के बारे में कुछ कहते हैं तो निश्चय ये बातें होनी चाहिए, सबसे पहले प्रभु के सामने पश्चाताप और समर्पण की प्रार्थना हो, हम अपने मार्गों से फिर जाए और हम फिर जाए जो गलत काम हम करते उससे, और फिर पश्चाताप की प्रार्थना होती है, समर्पण की प्रार्थना, शुद्धिकरण और पापों से फिर जाने की, कि ये कहें कि प्रभु मैं अपने दुष्ट मार्गों से फिरता हूँ, मैं फिर जाता हूँ बुरे मार्गों से। यानी समर्पण, खुद को सौंप देने की प्रार्थना होनी चाहिए। जब वो कहता अगर मेरे लोग खुद को नम्र करे, यानी मैं समर्पण की प्रार्थना करता हूँ, मैं समर्पण की प्रार्थना करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु मैं खुद को सौंपता हूँ, मैं खुद को तुझे दे देता हूँ, मैं पूरी तरह से आप पर आधारित रहता हूँ, मैं अपने एजेंडा से खुद को खाली करता हूँ, मेरे खुद के विचार दूर करके प्रभु आप जो चर्च के लिए चाहते वही चाहता हूँ। तीसरी बात, प्रभु को और पाने के लिए प्रार्थना करते जाते हैं, बस प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आप और ज्यादा चाहिए, हे प्रभु चर्च में हम आपको और ज्यादा चाहते हैं। तो प्रभु को और पाने के लिए प्रार्थना होती है, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, चर्च के लिए, आत्मा के महान उंडेले जाने के लिए प्रार्थना होती है, जैसे प्रेरितों ने प्रार्थना की होगी प्रभु हमें ऊपर से महान वस्त्र पहना और ये सामर्थ भेज। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हम आपको और चाहते हैं, आत्मा का और उंडेला जाना चाहिए, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हम पर बड़े रूप में उंडेला जाए। और जकरिया 10:1 कहता है बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो और वह हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के भवन को भर इसलिए प्रार्थना होगी, जैसे हग्गई 2 में प्रभु ने कहा 7:7 में कहता मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और मैं अपने भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। चांदी तो मेरी है और सोना तो मेरा ही है, कहता है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हम कहते हैं प्रभु हमारे शहर को हिला दीजिए,
प्रभु अपने भवन को, चर्च को अपनी महिमा से भर दीजिए। हे प्रभु, शहर का सब कुछ आपका है, सोना चांदी आपका है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारे स्रोत चर्च के हाथों में आप दीजिए, कि प्रभु के काम में मदद हो, ताकि प्रभु की महिमा में मदद हो। और प्रभु हमें महान महिमा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की महिमा भवन को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो और यीशु को महिमा मिले, जैसे प्रेरितों ने प्रेरित 4 में प्रार्थना की, प्रभु चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। आज भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु चंगाई के लिए अपने हाथ बढ़ाइए, प्रभु महान काम कीजिए। जैसे यशायाह 64 कहता है, हे प्रभु तो आकाश को फाड़ कर उतर आए और हमारे मध्य में ऐसे काम करे जो हमने कभी मांगे नहीं है, जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जिसके बारे में मनुष्य ने नहीं सोचा। हम खोए लोगों के लिए प्रार्थना करते, लोगों की आत्माओं के लिए, हमारे शहर में जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि लाखों लोग परमेश्वर के राज्य में जोड़े जाएं। तो हम प्रार्थना करते हैं उद्धार के लिए, और हम समाज के बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं। यशायाह 26:9 में ये कहता है, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम चाहते हैं हमारे शहर में रहने वाले लोग, संसार में रहने वाले लोग धार्मिकता को सीखे। हम समाज के बदलाव को चाहते हैं, कि ये बदलाव हो। और बहुत से वचन हैं जो हमने इस किताब में बताई हैं, जागृति के लिए प्रार्थना करते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। ये वचन जागृति से जुड़े हैं, जो आत्मा के उंडेली जाने से जुड़े हुए हैं। प्रार्थना में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रार्थना में जागृति के लिए प्रभु को खोजते, हम इन बातों के लिए प्रार्थना करते, कहते प्रभु हम इसके लिए पुकारते हैं, हम बेताब हैं, हमें यही तो चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हम संदेश के मुख्य भाग में आ पहुंचे हैं। यही तो चाबी है, दिल की तैयारी। हमें ऐसा दिल चाहिए और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी है जब तक कि प्रभु न आ जाए, जब तक कि वो स्थापित न करे अपने चर्च को और अपने चर्च के ऊपर अपनी महिमा को। आइए जब तक चर्च में हम जागृति को न देखें, इससे करते जाएं। अब हमारे नए एपीसी पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, निंदा नहीं और परमेश्वर का छुड़ाने वाला हृदय हिंदी में उपलब्ध है। इन किताबों की मुफ्त कॉपी मंगवाने के लिए हमें पत्र लिखें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं यदि आप भारत से फोन कर रहे हैं, या हमारे मोबाइल पर फोन कीजिए यदि आप बाहर से फोन कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.apcwo.org पर, और इस पब्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए और दूसरे भी हिंदी साधन को, जो आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि हमारी किताब ले जागृति, मुलाकात और परमेश्वर का चलन, अगर आपने इसे अब तक नहीं मंगवाया, आप इसका अध्ययन करें। यह आपको प्रोत्साहित करने वाला हो, आपके दिल को प्रज्वलित करे, जागृति के लिए आग और जिज्ञासा लाए। मैं विश्वास करता हूं हम परमेश्वर के महान चलन के पास में हैं। आइए हम साथ में प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं आप जो कर रहे हैं उसके लिए। धन्यवाद करते हैं आप हमारे जीवन को, हमारे दिल को तैयार कर रहे हैं, चर्च को तैयार कर रहे हैं, जागृति के लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हम स्वागत करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के उंडेली जाने का, जो हमें बदल देगा, हमारे जीवन, हमारे चर्च और हमारे समाज को, और आपके राज्य को स्थापित होते देखेंगे। यीशु के नाम में आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे। Rain down all around the world.
बुलावट है नमक और रोशनी बनने का। हम शिष्य हैं जीवन के विभिन्न राह से। मैं नौकरी करता हूँ, पर मुझे हमेशा से परमेश्वर की वचन में बढ़ने की इच्छा थी। मैं एक ऐसे परिवार की सदस्य हूँ जो मुझे सक्षम करते हैं मेरी लक्ष्य पाने के लिए। जहाँ मुझे अवसर मिलता है सेवकाई करने का। मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकती हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। प्रभाव डालने के लिए मैं तैयार हूँ। आओ खोजो निभाओ। दाखिला अभी खुला है अकादमी साल अक्टूबर 2016 के लिए। छोटी अवधि का अध्ययन हिंदी भाषा में वाराणसी उत्तर प्रदेश और उड़िया भाषा में बहरमपुर उड़ीसा अक्टूबर 2016 में शुरू हो रहा है। पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क करें 1-800-300-00998। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 99-457-09777 या 0806561-0823। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contact@apcwo.org पर। इन कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं हमारे वेबसाइट से apcwo.org/biblecollege पर।